आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। चार ऑप्शन है। पहला होलो एंजाइम, ये कैसे बनता है, एपो एंजाइम सह एंजाइम से। दूसरा सह एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम से। तीसरा होलो एंजाइम सह एंजाइम प्लस सहकारक से। चौथा एपो एंजाइम होलो एंजाइम प्लस सह एंजाइम से। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा। तो एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है ये बोला गया है। ठीक है, तो समझते हैं इसको। देखो, हमारा यहाँ पर कंडीशन क्या हो सकता है, जो एंजाइम होता है यानी जो बिकर होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर इसके भाग की बात करें, कितने भाग होते हैं इसके, तो पहला इसका भाग होता है एपो एंजाइम। ठीक है, पहला कौन सा भाग होता है, एपो एंजाइम। ठीक है, और एपो एंजाइम जो होता है इसका प्रोटीन भाग होता है, क्योंकि अधिकतर नहीं सभी कह सकते हो एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। तो एपो एंजाइम प्रोटीन भाग हो गया। जिसको अप्रोटीन भाग होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, सहकारक। क्या बोल सकते हैं, सहकारक, जो कि अप्रोटीन भाग होता है। ठीक है, अप्रोटीन भाग या नॉन प्रोटीन भाग बोल सकते हो, जो प्रोटीन के नहीं बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें दो भाग और आते हैं सहकारक में। सबसे पहला होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो कि यहाँ पर एंजाइम के मतलब एपो एंजाइम के साथ आसानी से टाइटली कोवेलेंट बंध द्वारा जुड़ा रहता है। और दूसरा होता है यहाँ पर कह सकते हो, यहाँ पर इसे बोल सकते हो को एंजाइम। क्या बोल सकते हो, को एंजाइम बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो पहला तो यहाँ पर एक और देख लेते हैं, को एंजाइम सॉरी सहकारक और एपो एंजाइम को मिला के संपूर्ण एंजाइम को जो सक्रिय हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, होलो। क्या बोलते हैं उसे, होलो एंजाइम बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि ये एंजाइम सक्रिय है पूरी तरह से। ठीक है, क्योंकि इसके प्रोटीन भाग अप्रोटीन भाग दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पहला होलो एंजाइम इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस सह एंजाइम। ठीक है, यानी हम को एंजाइम बोल सकते हैं। तो ये दोनों राइट है, क्योंकि एपो एंजाइम प्रोटीन भाग हो गया और सह एंजाइम अप्रोटीन भाग हो गया, तो ये राइट होगा। ठीक है, दूसरा सह एंजाइम इक्वल्स टू होलो एंजाइम प्लस, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होलो एंजाइम एक संपूर्ण एंजाइम खुद होता है। ठीक है, तीसरा है होलो एंजाइम, यहाँ तक सही है, सह एंजाइम प्लस सहकारक। तो सह एंजाइम सहकारक दोनों के अप्रोटीन भाग हैं, एपो एंजाइम प्रोटीन भाग बताया नहीं गया, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा एपो एंजाइम होलो एंजाइम, तो एपो एंजाइम यहाँ पर प्रोटीन भाग है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि होलो एंजाइम इक्वल्स टू होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन पहला होगा, दूसरा तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।